अंतर कौन था बड़े ओ दाशा जो गया तो तो रूटर जो उमा देने जितने भी चुड़िया बेरुड़ी हैं सीधी फेंकी मुंह माते क्यों तो आ गई और सीधी अजमेर की तरफ चली गई। यार तो माई के की आई रही है लेकिन किस मुंह से जाऊं, वो बोलेंगे कि मेरी बेटी और घर उजाड़ दी होते हैं। तू मालदेव की है खास तो नहीं है कह देसी फरमान लिखा कि बारमली आ रही है और बारमली के शान में कोई भी गुस्ता की हुई तो वो मालदेव की शान में गुस्ता किया आक्रमण कर दिया जाएगा। तो बोला कि मेरे जो उमदे आ रही थी वापस घर बस रहा था कौन वो पापी था जिसने मेरा घर नहीं बसने दिया। आसान जी लारू करे कहते यार अपने इतिहास में एक ही रानी फेमस है रूठी रानी के नाम से, उसका नाम क्या है उमदे। और उमदे शादी होते ही रूठ के चली गई वापस कभी आई नहीं, ऐसा क्या ही हुआ होगा कि वो शादी होते ही मतलब शादी होकर आई थी अभी तक वो फेरियां करते ना अपने जात वजह की भाई पूरी करी कौन जीते बार रूठ की और रूठ रिसी गई कि वापस से आई गान। एक बार उसने आने का प्रयास किया लेकिन जोगी सैया की बात नहीं आ पाई तो क्या हुई हो। देखो मालदेव के बारे में बात करते हैं तो मालदेव है जो साम्राज्यवादी नीति का आदमी है, उसने हर जगह अटैक किया। तो मालदेव ने अटैक किया अपने जैसलमेर के, जैसलमेर का कौन है लूणकरण, लूणकरण भाटी पर अटैक किया, भाटी पर अटैक कर उसने कुछ एरिया ले लिया और बोला कि फिर आएगा मालदेव। तो ऐसा डर था कि इस बार जब मालदेव आएगा ना तो या तो वो जैसलमेर पूरा ही ले लेगा नहीं तो पोकरण तो ले ही लेगा, तो ऐसा डर था। तो फिर क्या किया जाना चाहिए तो सारे सरदारों ने बोला एक काम करते हैं अपने बेटी है उमा दे, लूणकरण की बेटी कौन है उमा दे, क्या उमा दे अच्छी खासी अभी शादी तो करनी है बड़ी हो ही रखी है तो अपने क्या करते हैं कि मालदेव से शादी कर देते हैं। मालदेव से अच्छा कोई योग्य वर कौन ही होगा क्योंकि पूरे राजस्थान में सबसे शक्तिशाली कौन है मालदेव है। तो उन्होंने मालदेव के पास रिश्ता भेजा, मालदेव ने बोला वाह रिश्ते आ रहे हैं हमें मंजूर है, क्या बदले में आप हम पर अटैक नहीं करोगे क्या, सास से कोई अटैक करेगा यार कभी बुलाया जिमन आसिया अटैक नहीं करेंगे। तो किसकी शादी किसके साथ होगी उमदे की मालदेव के साथ, मालदेव बारात लेके आया। बताते हैं कि सबसे शक्तिशाली राजा की बारात भी बहुत शानदार थी, बारात में हाथी घोड़े ऊंट लंबे चौड़े दूर दूर तक, जैसे आजकल बारात आती है बहुत सारी गाड़ियां लेके जाते हैं लोग और लोग देखने जाते हैं कि इतनी गाड़ियां किर ब्याह आई है किर बारात में आइए, ऐसी लंबी चौड़ी बारात सारी बारात देखे और बोले कि गजब बारात आई है गजब बारात आई है। और बारात को डेरो कटा हुआ माध्यमिक शिक्षा उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालय बट अभी मालदेव को डेरो बट जो भी हो आसपास बारात रुकी हुई थी। उमा दे को देखना था कि भाई बारात तो वहीं देखो जन हुआ तो उमा दे बारे तो जा कौन सके बीननी है बीननी है बारकियां फिरी तो बने क्योंकि कौन आप जैसलमेर के ऊपर चला छतू देख सिया छतू देखा कि कितनी बारात है तो वह पेड़िया पेड़िया चढ़ रही जन भी नहीं है आवाज आई बिन तू मार दू बिन छोड़ू को नहीं बने क्योंकि आज तो ब्याह बैठ किन मारने की बात किन चल है। तो धीरे से गेट खोल देखियो फिर पापा मम्मी आपस में लड़ रहा और पापा कह रहा कि मालदेव ना जाऊँ फिर मैं मार दूँ अल अभी तो शादी हुई नहीं है फाइनल किया था कि मेरा तो जो दुल्हा है इतना शक्तिशाली है ये वो मैं सोच रही थी और पापा तो क्लीन कट मार दी फिर हमें माँ क्या उड़ा है बेटी को सुहाग है यहाँ करोगे के सुहाग तो जन हुई तो जन ब्याह उसी ब्याह यूँ पहले मार दूँ के बन मालदेव मेरे पर अटैक करियो अगला मैंने मजबूर कर दियो कि मन रिश्तों करना पड़ियो नहीं दापत रिश्तों ना आज करा ना कालबिन तू फेरम मार दूँ। माँ समझावे लेकिन बाप नहीं समझे। अब उमा दे धर्म संकट में आ गई कि किसका साथ दे पियर वालों का साथ दे कि मालदेव का साथ दे। तो उमा दे ने एक लेटर लिखा डियर मालदेव मैं आपकी उमा है ना और लिखा कि मेरे पिताजी का दिमाग थोड़ा सा तो वो आपको हो सकता है फेरों में मार दे तो आप थोड़े सावधान रहना लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पिता को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएं न्यूट्रल मैसेज था कि दोनों ही शांत रहे आराम से हो जाए। और नीचे लिखा हुआ था आपकी तो मालदेव पड़ी और क्या ए वह देख करनन बुलाया दो जना ने ए वह देख लुगैया कितनी बढ़िया है मतलब अजय तक ब्याह हुई कौन तो मेरे कितो केयर करे कितो ध्यान रखे। वापस लिखा कि उमा टेंशन ना ले तेरे बाप से तो मैं ऐसी मरने वाला नहीं था लेकिन तूने कह दिया तो मैं कोशिश करूंगा कि वो मेरे हाथ से नहीं मरे नहीं तो वो ट्राई करते और मैं वापस मारता तो वो मर जाते ठीक है। अब बात वही थी कि फेरों में मारेंगे चौरिया बन सीजन बट मार से तो बने मालदेव आप बॉडी गार्ड और ने कियो बन लेर बैठ जिया आन ना दिया फिर हम कन्यादान के समय उसका उमा दे का पापा नहीं आना चाहिए और आपस सोचो कि अल्लाह कन्यादान कौन करेगा ये केवल नाटकों के चौंसल है कन्यादान कोई भी कर देता है मामा काका चाचा और अपने तो गांव में अगर किसी के मतलब है बेटे बेटे हैं बेटियां नहीं है ना तो अगर किसी पड़ोस में भी शादी होती है तो उससे कन्यादान करवाते हैं। मान लो किसी के पास ज्यादा बेटियां तीन चार बेटियां हैं और एक कहने है कौन तो कह जा तू कन्यादान कर ले पुण्य कमा ले तो कन्यादान तो कोई कर देगा लूणकरण ने ले बेटिया लूणकरण के मेरे को अंदर जाना है यार अंदर कह जा बैठो यार दो मिनट बैठो बात करो सगा जी थोड़ा पेक सेक पियो ऐसे लूणकरण उठ कर जाना चाहिए उसको वापस बिठा ले। लूणकरण तो जा कौन से क्यों ला रखे क्यों ब्याह हो गया सुबह आशीर्वाद लेने आया आशीर्वाद ले रही है विदाई ऑल टाइम लूणकरण का अब कह कर सके सुहाग बनने से पहले उजाड़ना था अब तो बन गयो जनाब क्या छोड़ बार अब तो है ना वो आ गयो लूणकरण कैसा में माल दे टमर को करके किया कर लेर के। अब क्योंकि कल्चर था कि अगर रानी जाएगी तो रानी के साथ कई दासियां भी जाएगी दासियों में उमा दे की बेस्ट फ्रेंड थी बारमली सुंदर सुंदर उतनी जितनी उमा दे रहने सहने वो काम नहीं करती थी बेस्ट फ्रेंड थी उसके साथ साथ कई बहन भैया चिपकुड़ी लार लार फिरे दीदी दीदी करती तो बेबी टाइप की। तो बोला कि मम्मी मम्मी मेरा मन नहीं लगेगा वहां पर
वो बारमली को मैं साथ ले जाऊँ क्या? मम्मी ने बोला चल ले जा, तो वो ले गई बारमली को साथ लेके गई। अब बारमली उधर आ गई और उस दिन ऐसे जो अपने पार्टी होती है, जैसे फ्रेंड लोग पार्टी मांगे थे कि भाई पार्टी तो दे मालदेव से, तो मालदेव पार्टी दे रहा था, शराब की चल रही थी, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उनके मालदेव के जीवन के लिए हानिकारक साबित होगी। शराब से एकदम टुन हुआ हुआ मालदेव अंदर आ रहे थे, तब वो अपने बोलते हैं ना कि सावधान राजा जी आ रहे हैं, वैसी आवाज आई। तो उमादेव ने बारमली को भेजा के बारमली तू जा और जाके के अभी थोड़ा समय लगेगा, इंतजार करो। तो बारमली एकदम उमादेव के जैसे तैयार हुई गई और जाकर मालदेव कक्ष में बैठे थे, जाकर बोला कि अभी थोड़ा समय लगेगा। अब मालदेव तो शराब में एकदम द्रुत हुआ, एकदम की मतलब एकदम टुन उड़ा है, बिन समझ आए कौन क्या बारमली आए उमादेव, उसने बारमली को क्या समझ लिया, उमादेव समझ लिया। और आ बात किन था बड़गी उमादेव ने, उमादेव क्यों जद ये तो लीचड़ आदमी है, जगन दासी रानी के बीच मंत्र कौन था पड़े वो दासिया जो गई है, तो हूँ तो रूट जाऊँ। उमादेव ने जितने भी यहाँ चुड़ियाँ फेरड़ी हैं सीधी फेंकी मुँह माते, तो हूँ तो आ गई और सीधी अजमेर की तरफ चली गई। बारमली पीछे पीछे जाने लगी है, बारमली को मालदेव ने पकड़ लिया, तू किधर जा रही है, तू तो रुक तू ना जा, वो रूट के गई है किसके कारण, तेरे कारण। और उसने क्या बोला, तू तो दासिया जो गई है, तो दासी कौन जाए, तू तो रुक। बारमली को नहीं जाने दिया कि तू इधर ही रहेगी, तू बढ़िया है। अब उमादेव तो चली गई, टाइम बीता तो बोला कि उमा, किसी ने चर्चा की कि उमादेव को मना कर वापस लाना चाहिए, तो क्या कौन जाए कैसे मनाए, तो बात हुई थी आशानंद जी बारट और ईश्वर बारट, तो बारट कवि थे, ईश्वर जी बारट को बोला था कि जाओ मालदेव ने और जाकर आप उमादेव को मना कर लेके आओ। ईश्वर जी बारट गए और बारट जाकर उमादेव को मनाने गए, तो बोला पहले तो उमादेव मिले ही नहीं, फिर मिले तो बोला कि आप वचन दो कि मैं जो मांगूंगा आप दोगे। उमादेव ने बोला नहीं, फिर भी उन्होंने वचन कैसे करके ले लिया और फिर बोला आप जाओ। उमादेव ने मना किया, गया मेरा वहां पर अपमान होगा कि लोग कही क्या भाई गणी रूस गई मुंडो फुलार गई रहा नहीं या पिल पिलो मुंडो करूड़ी यही कौन रही जाए, मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ किया कह दे सीधा ने थे पटरानी हो जितनी भी रानियां मालदेव की उसमें सबसे प्रमुख स्थान अगर किसी को मिलेगा आपको मिलेगा। उसके अलावा मालदेव 10 लोगों के बीच में आपको सॉरी बोलेगा, वो लिचड़ है आप थोड़ी हो, आप तो एकदम देवी हो, वो आपको 10 लोगों के सामने सॉरी बोलेगा, महारानी बना के रखेगा, आगे से कोई गलती नहीं होगी और आपको कोई भी कोई ताना नहीं सुनेगा, ये मेरी गारंटी है। उमादेव बोलती है ईश्वर जी देख लो, उसने बोला मेरी गारंटी है। अब वो उमादेव को लेकर रवाना हुआ, समाचार आया जोधपुर में उमादेव आ रही है, जोधपुर में तैयारियां शुरू हुई, लेकिन मालदेव की जो अन्य पत्नियां थी वो सोचे अल उमादेव आ जाए तो अपन कौन पूछती, क्योंकि जब रूस उड़ी पाची राजी हुई है जना चारा साइड भी घूमी रानी सा रूस ना जाया क्या रिस खतरनाक है। तो उन्होंने आशानंद जी बारेट को बोला कि उमादेव वापस आ रही है, क्या उमादेव को वापस आना चाहिए। आशानंद जी ने बोला बिल्कुल ही नहीं, मालदेव तो एकदम लिचड़ आदमी है, इसके पास नहीं आना चाहिए, वो सती है उसको वहीं रहना चाहिए। तो बोला आ रही है कि मैं देखूं आवे किया आवे। आशानंद जी एकदम जोधपुर जहाँ से स्टार्ट होता है अभी एकदम गेट का नजार खड़ा हो गया और जा रहे देख के उमादेव को मतलब डोली आ रही है, जोर जोर बोलने लग गया, मान तजे तो पीऊ तजे, पीऊ तजे तो मान, या तो मान सम्मान है तो पिया को छोड़ दे और अगर तेरे को पिया चाहिए तो मान सम्मान को छोड़ दे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। उमादेव के अभी तो मूवी स्टार्ट ही नहीं हुई ताना आ गया, उमादेव ने बोला सैनिको वापस चलो, तो वापस चले गई। मालदेव ने कहा यार चलो नहीं आई तो नहीं आई। फिर एक दिन बारमली छत पर बैठी थी, छत पर बैठी बैठी ऐसे जैसलमेर की तरफ, तेरा फेस उसका जैसलमेर की तरफ था, उधर देख के रो रही थी बारमली। मालदेव यार कि क्या हुआ, मायके की याद आ रही है, याद तो मायके की आ ही रही है लेकिन किस मुंह से जाऊं, वो बोलेंगे कि मेरी बेटी घर उजाड़ती होते कि तू मालदेव की है खास तो नहीं है कह देसी। और मान लिखा कि बारमली आ रही है और बारमली के शान में कोई भी गुस्ताखी हुई तो वो मालदेव की शान में गुस्ताखी है, आक्रमण कर दिया जाएगा, तो बारमली का ख्याल रखा जाए, है ना। तो ऐसे करके छोड़ दिया। तो बारमली पहला लेटर पहुंची और लार बारमली पहुंची, सगला के आओ सा बैठो सा, कोई कुछ नहीं बोले बारमली ने। बारमली वहां पर दासी के रूप में थी लेकिन अब रानी की जिया रहे। अब जी की उमादेव को भाई हो, मेरे खुद के 3 ब्याह करूड़ा, अब वो बारमली चारों ओर चक्कर काटा। बारमली वास्तव में सुंदर थी, मालदेव भी क्यों 10 दिनम पाची आजी तू बट ना रे जी, ठीक है कोई नहीं छोड़ना चाह रहा। बारमली वास्तव में सुंदर परियों की तरह दिखने वाली महिला। अब वो बीर भाई है जो बारमली चारों ओर चक्कर काटा है, बीनिया भी जकी मतलब उमादेव की जकी आप के भाभी बे टेंशन में नंद भाई सर तो करण बारमली नाश करियो और अब आप 3 हर टिकट कट सी आइन लेर जाई। अब तो क्या किया जाए, तो बीच चाली एक कि नहीं बीच चाली जकी तीन मो फिर भाई बागा यार तेरा भाई बागा है, उसके तो लूटपाट का ही काम है, उससे बोला वो कुछ रास्ता निकाले। बागे ने बुलाई और बागो आर क्यों क्या यो बताओ बेना, देख तन बात बताने वाली तो है कोनी पर के करें बतानी पड़ी, थारा जीजा जी नहीं बाउंड्री लाइन पर है करना भी विकेट गिर सके अभी न जा सके, अरे चक्कर हमें पड़ूड़ा है गलत रह आज सॉरी ठीक कहा नहीं क्या किसी है क्या दिखा के अच्छा आ है के बारमली बागो का ठीक है आगे क्यों एक काम करिया
कहा लूँ जल्दी जल्दी निकल सूँ, ऊँट मत बैठूँ, जना थे तिलक निकालने थे ना आया, बारमलिन भेज दिया। जैसे भाई और आते हैं तो सीख दे जा, पर कल्चर है राजस्थान में, तो तिलक निकालने थे ना आया, किन भेज दिया भाई ने, अरे सॉरी भाई के बार बारमलिन भेज दिया। तो क्या ठीक है, बारमली तो एनी टाइम तैयार उड़ी रहे, सुबह वो 8 बजे 7-8 बजे कह रहे मेरी अर्जेंट काम आ गया, कर सीधे ऊँट पर बैठ जान लगियो तो क्या कहे किन जो रही नाराज क्यों की सगो जी के बात है इतना जल्दी, कह रहे मेरा अर्जेंट काम आ गया, क्या चलो सीख तो ले जाओ, भाई ने बोलो तिलक निकाल दो, तो बोलियो भी ना, फिर बहन ने बोलियो बन क्यों तो नहीं का नहीं, मेरी चुनड़ी कट है यार, मेरी कट है, बारमली तू तैयार बैठी तू कर दे तिलक, बारमली की ठीक है, बारमली की तिलक कटने बाकी बीर स्वामी देखियो भी हाथ पकड़ ऊँट पर बिठा ताल मार भाई, बारमली ले गयो ला रहे फिर जगह बारमली जगह अभी लेटेस्ट आशी को वो कह रहे बारमली ले गयो स्टेनी को रहा ए तीनों लुगाया भी पकड़ ले क्यों सही जता बारमली जान तू तुम साहब तो बैठ दिया। अब बारमली गई बागे सागे रस्ते में बागे ने बारमली और बारमली ने बागो प्रेम हो जाए ठीक है रस्ते में गए बागा बारमली एक दूसरे से प्रेम कर बैठते हैं। अब बारमली वापस आई नहीं, बागा बारमली को लेकर लाहौर साइड चला गया उधर सीमा पार पाकिस्तान में सिंध प्रांत के पास। मालदेव क्या यार 10 दिन के लिए गई थी, 2 महीना होगी बारमली कटे मारी, जन गया बारमली तो बागे के साथ चली गई, मालदेव के बागे के साथ चली गई, बागा कौन है ये उसका भाई है यार वो ले गया और उसी के साथ रह रही है, सैनिकों सेना तैयार करो बारमली को लाने जाना है, मंत्री की और सेनापति की एक दासी काम है एक लुगाई काम है जोधपुर ये तो महान राज्य बन रहा है सेना जाए अच्छा कौन लगे ये मेरे को पता नहीं बारमली चाहिए क्या नहीं मिलेगी ऐसे नहीं होगा कह रहे थे कौन समझो बाप बारमली यार मन बात सही जाए तो सैनिक समझा हो क्या बाई चांस वो तो लुटे रहे वो तो एक वो तो क्या है बारमली ले आगे निकल जी अफगान साइड फिर अपने क्या करेंगे जीत भी नहीं पाएंगे भाई लड़ाई करना है तो वो तो भाग जाएगा वहां से। वो बोला कि मेरे जो उम्मदे आ रही थी वापस घर बस रहा था कौन वो पापी था जिसने मेरा घर नहीं बसने दिया आसन जी लारू करे क्या थे या क्या जची बस तो क्या बारमलिन थे ले रहो मैं उम्मद इन कौन आन दी नहीं तो मेरा आज उम्मद है बारमली जरूरत को नहीं तो बारमलिन थे ले रहो आसन जी के हाँ बारमलिन हो लिया हूँ आसन जी रवाना हुए जब बागे को पता चला कौन आ रहे आसन जी बागा 3 कोस सामने गया सामने जाकर दंडवत प्रणाम किया क्योंकि आसानंद बारक एक महान कवि दंडवत प्रणाम करके जो उनको पालकी में बिठाया यार पालकी खुद ने पकड़ी लेके आया 3 कोस तक आसानंद जी उसको देकर गदगद हो गया कि यार कितना सेवा करता है इतना इज्जत तो मेरे को कहीं भी नहीं मिली और कवियों को क्या चाहिए फुल इज्जत। फिर बारमली आसानंद जी के जो भी पसंदीदा भोजन था वो बनाया यार खिलाया यार उसने देखा आसानंद जी ने कहा बागा बारमली एक दूसरे से बढ़िया प्रेम करते रह रहे हैं तो बोला कि मालदेव ने बुलाया है बारमली का मैं नहीं जाना चाहती ठीक है तो मैं भी नहीं चलता हूँ यहीं रह जाऊँ क्या हो तो आसानंद जी बोला पाचो छुई कौन जहाँ जन पूछिया पाड़ी बेटा तो कालांतर में कई साल आसानंद जी वहीं रहे फिर बागे की मृत्यु हो जाती है बागे की मृत्यु हो गई बारमली फिर से क्या होगी अकेली। अब जो आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है आप तो क्या सोच रहे हो आसानंद जी पनी जी हारा तो है लेकिन ना वो उनका ट्रू लव था बारमली बागे के साथ सती हो जाती है। अब बागा गया बारमली गई पीछे कौन बच गए केवल आसानंद जी थोड़ा मेंटल हो गया पूरे दिन दो बागा बागा भाई बागा बागो तुम्हारे बागो ऐसे घूम रहे थे तो किसी ने अमरकोट के नवाब को बोला कि आपके एरिया में आसानंद जी जैसे महान कवि ऐसे ही घूम रहे हैं आपको शर्म मानी चाहिए। तो उसने कहा ठीक बात है गलत बात तो है हमें लेके आना चाहिए तो उनको लेके आया यार साथ में रखता अब कहीं भी शिकार करने जाए वो पीछे बैठे आसानंद जी बेटा बेटा या दो बागागार मत खा जिया के बागो मारे बागो बागा भाई बागा बागा ही बागा उसको बस एक याद में दी के बागा बागा से ऊपर कोई नहीं। तो वो अमरकोट का नवाब रुकता है वो बोलता है शिकार करने साथ मैं लेके जाता हूँ खाना मैं देता हूँ मान सम्मान मैं देता हूँ एक दो कोई पंक्ति मेरे प्रशंसा में के वो बागो बागो तुम बागे की जुती को नहीं बागो तो बागो। अब वो कहता है यार ठोडोनो पड़ी आसानंद जी के पोते ने बुला वे जे थालो दादो खाली रात रात में 8 घंटा वास्ते बागे को नाम नहीं ले तो पर घंटे के हिसाब से 10,000 सोने की मुद्रा दूं 8 घंटा की 80,000 सोने की मुद्रा। वो तो कह वाओ बस इतनी बात है बागे नाम कौन लेना दादे ने हार कर दादा चुपता बैठा रह गया बस 8 घंटे की बात है बांध मलिन बागो बागो करिया पीढ़ियां सुधर जी मारी 80,000 सोने की मुद्रा बहुत है मेरे वास्ते। तो वो बोलते आसानंद के ट्राई कर सी तो वह कौन तो आसानंद जी राम 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 करने लगते हैं घंटों पर बीतियों को नहीं रखा है वह तो है बागो तो बागो मिला है चाहे नहीं मिले बागो तुम्हारा है बागो वो तो कहवा ऐसे कौन दे याद रहेगा